हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पटाया से, जो कि बैंकॉक के बाद में मैं पहुंची थी। तो एक दिन एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि क्यों ना पटाया भी एक्सप्लोर किया जाए कि पटाया में क्या क्या है। तो मैं निकल गई चाय पीकर पटाया। ये आप देख रहे हो पटाया, यहाँ बहुत तेज धूप है इंडिया वाली, और अभी सोच रही हूँ कि एक बार पटाया एक्सप्लोर कर लिया जाए क्या क्या है यहाँ पे। दूर तो है ही। ये इधर है बुद्धा टेंपल, और इधर बीचेस का रास्ता है। टेम्पल थोड़ा हाइट पे बना हुआ है। ऑप्शन दोनों होते हैं, या तो आप पैदल चले जाओ या फिर आप ग्रैब कर लो, या फिर यहाँ पे लोकल टैक्सी होती है, पर आपको 100 baht के करीब देती है, तो चॉइस आपकी है कैसे जाते हो। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभी पहुँच गई हूँ पटाया में, और पटाया में अभी सुबह के तो नहीं लेकिन दिन के 2 बज रहे हैं, और इंडिया में मैं भी सुबह के ही बज रहे होंगे 12। तो धूप इधर बहुत तेज है, मतलब बहुत तेज है, इंडिया की तरह ही है। नॉर्थ में तो खैर अभी काफ़ी सर्दी है, लेकिन साउथ में जैसी गर्मी होती है वैसी इधर ही है। तो ये इधर पटाया में नाइट का जो मार्केट था और पटाया बीच था वो तो देख लिया, और उसके बाद में सोचा कि दिन का एक टूर कर लेते हैं यहाँ पे जो अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। तो इधर मैंने डिसाइड किया कि ये बुद्धा टेम्पल इस साइड है, थोड़ा सा हाइट पे है, वो देख लिया जाए, क्योंकि बीचेस तो सारे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटी भी थी, बट मैंने कहा ठीक है आगे फुकेट में ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का स्टे था, तो 2-4 जगह देखने का इतना ही टाइम था। तो सोचा कि एक बीच एक्सप्लोर कर लेंगे, और इधर बुद्धा टेम्पल है, फ्लोटिंग मार्केट भी है, आप जा सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं ऑलरेडी फ्लोटिंग मार्केट घूम चुकी हूँ काफ़ी जगह पे, इसलिए मैंने नहीं उसको चूज़ किया। और एक टाइगर पार्क है, तो वो सेम रूट पे पड़ते, मैं उस साइड नहीं गई, आप लोग जा सकते हो। तो इस साइड आप जाओगे तो सारे बीचेस रहेंगे, और मेन पटाया का जो सिटी है वो है, और इस साइड आप अगर जाएंगे तो ये बुद्धा टेम्पल है। तो यहाँ पे जाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हो, आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। ग्रैब आपको 100-150 के करीब, 200 के करीब लेता है, स्कूटी 400-500 के करीब, 2.5 baht। और नॉर्मली आप चाहो तो पैदल भी मार सकते हो अगर आपके पास टाइम है, और इतनी धूप में चलने का दिल है और पैसे बचाने हैं। तो मेरे पास टाइम था क्योंकि शाम की फुकेट की बस थी, तो सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट किया अपना दिन, अब देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद में आपको अपडेट करती हूँ। तो पहाड़ वाली चढ़ाई तो थी, मैंने सोचा ठीक है यार पहाड़ों से वैसे इतनी मोहब्बत है, चलते हैं पैदल ही, है ना। और वैसे बहुत सारे लोग पैदल ही जा रहे थे, तो मैंने भी वही डिसाइड किया कि एक्सप्लोर करते हैं ऐसे ही, और निकल गई मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, 3-4 किलोमीटर था, तो मैंने कहा घूमते हुए निकल लेंगे और एक्सप्लोर करते हुए कि क्या क्या है किस तरीके से, वो ज़्यादा मज़ा आता है ना पैदल चलना। फिर तो खैर इंडियंस का शौक भी होता है, और मेरा तो स्पेशली है ही, तो मैं चली गई। ये शॉर्टकट रास्ता है क्योंकि पहाड़ है, तो सोचा शॉर्टकट ही लेते हैं, लॉन्ग रूट में तो वैसे ही हालत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए। बिग बुद्धा का साइन इस तरफ है, इधर से 500 मीटर का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, गर्मी बहुत है इधर। फाइनली लगता है कि बुद्ध टेंपल हम पहुंच गए हैं। इसमें आपको ये अपोजिट दिख रहा होगा मे बी, है ना। तो थोड़ी चढ़ाई थी बट ठीक है, इंडिया वाले उनको पहाड़ों से डर थोड़े ना लगता है, अच्छा चढ़ जाते हैं। अब आए हैं इतना दूर तो देखना तो बनता है, लेट्स सी कैसा है बुद्धा टेंपल। सामने में ही लग रहा है कि बुद्ध की मूर्ति नज़र आ रही है आपको भी, और देखकर सुकून मिला कि फाइनली पहुंच गई। लेट्स सी, ये जो दिख रही है ना आपको इधर, ये लोकल टैक्सी टाइप है यहाँ पे, जो आप आराम से ले सकते हैं।
अप्रोक्स डिपेंड करता है ये लोग क्या लेते हैं पैसा यार, कभी क्या बोलते हैं, कभी 100-200। बार्गेनिंग आप कर नहीं सकते यहाँ पे, लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं आपको, है ना। हाँ, पटाया में आपको कुछ इंडियंस मिलेंगे तो उनसे आप कम से कम बात कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो। बैंकॉक में बहुत मुश्किल है रेस्टोरेंट ढूंढना और ये सब। तो देखो, पहले तो हम बुद्धा टेम्पल पहुँच गए तो वहीं घूम लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या क्या है। टिकट में भी यहाँ का नहीं है, टेम्पल है शायद इसीलिए, बाकी आगे जाने के बाद पता चलेगा। हेलो लेडी, हेलो। यहाँ पे आपको कट स्लीव्स अलाउ नहीं करते हैं, मतलब मैक्सिमम थाईलैंड में सारे टेम्पल्स का यही है, और घुटनों से नीचे ही आपके कपड़े होने चाहिए। मैंने तो आज भी वही घुटने से नीचे ही पहना हुआ है, और कट्स आपके नहीं होने चाहिए। तो मेरे पास श्रक था एक, तो मैंने वही डाल लिया था ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तीन चार किलोमीटर चलने के बाद भी जब इन्हें नज़ारा देखा ना यार, दिल को सुकून मिला, है ना, कि यार ठीक है फाइनली पहुंच ही गई आखिर में, है ना। तो बहुत ही प्यारा था वहाँ का सीन, है ना, काफ़ी मतलब था कि सुकून भी था, एक अलग ही वहाँ पे वाइब थी। तो मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारा, बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पे थे, और ये आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने नोट को फंसा करके ऐसे लगाया हुआ है, तो ये एक विश होती है जो कि लोग मांगते हैं यहाँ पे, मुझे भी बाद में पता चला था। तो मैंने भी एक छोटी सी विश मांग ली कि चलो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से बिग बुद्धा को एक्सप्लोर करने के बाद में आराम से सारी चीज़ें मैंने देखी, क्या क्या है, किस तरीके से लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था। ये यहाँ पे है बिग बुद्धा टेंपल, आप देख रहे हो, नहीं में ही बिग है ये। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं पैसों को ऐसे लगाया हुआ, आई डोंट नो। तो भीड़ है, चाहे गर्मी कितनी है, लोग घूमने भी आते हैं। जनरली यहाँ पे लोग बुद्धिस्ट ज़्यादा, इसीलिए लोग यहाँ पे टेम्पल्स बहुत हैं। यहाँ पे ये सिक्का है ना, उसको टिकाना पड़ता है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मैं भी विश मांगते हैं ये लोग। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, वहाँ पे जो भी रिलीजियस है उनको एक बार देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग विश करते हैं। तो मैंने भी ऑलमोस्ट ट्राई किया वहाँ पे, मैं काफ़ी टाइम से ही बुद्धिस्ट को देखती हूँ, लाइक क्योंकि मैं भी बाबा साहेब को फॉलो करती हूँ, तो कई बार मैंने देखा है। तो जब मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया बुद्धिस्ट टेम्पल को, उनके रिलीजन को थोड़ा सा देखा कि किस तरीके से वो प्रेयर करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे, तो मैंने भी सोचा कि अपन भी कर ही लेते हैं प्रेयर, है ना। तो अगर आपको करना है तो यहाँ पे कुछ अमाउंट होता है जो आपको पे करके, और इस तरीके से आप जो भी प्रे आपकी होती है वो लिख कर और वहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं, सामने में बुद्धिस्ट का जो मूर्ति लगी हुई है तो उसके सामने में ही है। तो मैंने भी लाइक था कि चलो ठीक है करते हैं। देखो प्रेयर तो हर जगह पे ही होता है, कि चाहे वो किसी भी रिलीजन की होती है ना, लेकिन सबका तरीका थोड़ा अलग होता है, चाहे वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, या फिर जैन हो, किसी भी तरीके से, है ना। तो हम लोग तो इंडियंस है तो काफ़ी रिलीजियस होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो मैंने कहा ठीक है यार, प्रे कर ही लेते हैं अपन भी, है ना। तो मैंने भी मेरी सिस्टर्स का नाम लिखा यहाँ पर, और लाइक कहीं ना कहीं पर मैंने कहा ठीक है यार, मैं हमेशा चाहती हूँ कि सब लोग ही काफ़ी हैप्पी रहे, ना। तो मैंने भी एक ट्राई किया कि करते हैं, उसके बाद में देखेंगे। तो मैंने लिखा वहाँ पे अपनी प्रेयर और मैंने वहाँ पे हैंग कर दिया।
तो हैंग करने के बाद में वहाँ पे, और फिर मैंने एक्सप्लोर किया, मैं देख रही थी कि ये लेडी है ना कुछ प्रेयर कर रही थी, इसको ना मतलब काफ़ी इसे मूव कर रही थी, तो स्टार्टिंग में तो कोई यहाँ पे मोमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में यहाँ पे काफ़ी एक आवाज़ यहाँ पे आई है ना, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा। तो मैं तो खैर कर नहीं पाई, मैंने ट्राई भी किया था, मुझसे हुआ नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे नहीं लगा कि मेरे से हो पाता, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने काफ़ी देर, एटलीस्ट 2-3 hours में यहाँ पे रुकी थी। तो एक्सप्लोर करने के बाद में, आप चाहो तो वैसे भी 1-2 hours में फ्री हो सकते हो यहाँ से, तो पूरा ऐसे देखा मैंने, इसके पीछे की तरफ में आपको समुद्र नज़र आता है और फ्रंट में आपको बुद्धा टेम्पल है। तो लोग यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो मैंने भी किया, तो मैं भी साथ के साथ में देखती जा रही थी, क्योंकि देखो दूसरे कंट्रीज़ में हम लोग जाते हैं तो यही रहता है ना कि वहाँ पे क्या चीज़ें डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, तभी मज़ा आता है ना, बाकी तो कोई ऐसा सेंस ही नहीं होता कि आप दूसरी जगह भी जाके सिर्फ बैठ जाओ कहीं पे। तो मैंने भी वही सब कुछ देखा वहाँ पे, वहाँ के कल्चर को, लोगों को। तो बुद्धा टेम्पल आप आराम से आइए, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ टेम्पल्स हैं वहाँ पे लगते हैं, अदरवाइज़ वहाँ चार्जेस नहीं होते हैं जनरली, है ना। तो आप आराम से एक्सप्लोर करो, 1-2 hours आपको लगेंगे, सिटी सेंटर से अप्रोक्स 3-4 kilometers है, तो जाते टाइम तो आपको खैर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ढलान नीचे की तरफ है, तो आप इजीली उतर जाओगे। तो मैं भी चली गई। तो बुद्धा टेम्पल घूमने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना बीचेस भी एक्सप्लोर किया जाए, और उस दिन मेरा जाने का प्लान था रिटर्न, बट कुछ रीजंस थे कि मैं लेट हो गई थी, तो मैंने कहा, और मुझे पता चला वहाँ की किसी लोकेलाइट से, और कुछ घूमने आए थे अपने यहाँ इंडिया से टूरिस्ट, उन्होंने बताया कि आप कोरल आइलैंड जाइए, बहुत प्यारा है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मेरी लिस्ट में वो था ही नहीं, फिर मैंने कहा चलो एक दिन अपन एक्स्ट्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं चली गई जहाँ पे पोर्ट से कोरल आइलैंड के लिए मुझे फेरी मिलती, तो उस दिन मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो आप लोग भी जब भी कोरल आइलैंड जाएंगे तो बुद्धा टेम्पल को आप बाद में कर लेना, पहले आप कोरल आइलैंड चले जाना। मैंने यहाँ पे ये गलती करी कि मैं मॉर्निंग में उठ के अपना बुद्धा टेम्पल और लोकल घूमने चली गई। तो अगर आपको कोरल देखना है तो पहले आप मॉर्निंग में चले जाओ, सुबह 8 के करीब आपको कोरल आराम से पूरे दिन में घूमने के बाद में इवनिंग में आप बुद्धा टेम्पल। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, अब इतनी दूर आई हूँ तो कोरल तो घूमना बनता है। मैंने नेट पर काफ़ी सर्च किया बुद्धा टेम्पल घूम के आने के बाद में, जब मैं रास्ते में ही थी, और मेरा था कि नहीं मुझे अब जाना ही जाना है कोरल आइलैंड, है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जाना तो पॉसिबल था नहीं क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी, तो इंक्वायरी ही कर लेते हैं कि कहाँ से मेरे को फेरी मिलने वाली थी, क्योंकि देखो मैं सेल्फ ही गई थी तो मुझे आइडिया था नहीं एक्चुअली कि क्या होने वाला था। तो मैं चली गई वहाँ पे कि फेरी कितने बजे की है, क्या चार्जेस है, एंड ऑल सब पता करने के लिए। तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे कोरल आइलैंड से आ रहे थे यार, सबसे इंपॉर्टेंट था यार कि वहाँ पे बहुत ही गर्मी थी, तो वो बहुत इरिटेटिंग थी मेरे लिए, तो है ना, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में इस टाइम पे सर्दी होती है जनवरी में, और मैं पहुंच गई गर्मी में, लेकिन कोरल आइलैंड क्योंकि ये फेरी जो है ना वो लास्ट इधर से जाती है 5 और उधर से 6, तो पॉसिबल ही नहीं था वापस आना टाइम पे, तो जाके आना तो मतलब नहीं था, तो सोचा एक दिन दोबारा यहीं रुकते हैं, कल जाती हूँ उधर। वैसे लोकेशन बहुत अच्छी है। ये है पटाया बीच और इसी के थोड़ा आगे कोजी बीच, तो दोनों ही सेम ही ऑलमोस्ट, लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है सनसेट के टाइम पे, थोड़ा पसीना बहुत ही, क्योंकि गर्मी बहुत है इधर। तो जब भी आपको पटाया आना हो और सब चीज़ें कवर करनी हो तो 2 का तो आपको टाइम लेना पड़ेगा, तभी आप कवर कर पाओगे। और मतलब जब भी आप पटाया हो तो 2 का तो आपको टाइम लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। और लाइक 1 तो नॉर्मल यहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट और बुद्धा टेम्पल, नाइट बीच लाइक पटाया, और अगर अगले दिन आपको जाना है तो कोरल आइलैंड आप जा सकते हो, और शाम के टाइम में पटाया का आप देखो व्यू बीच का, तो बहुत सुंदर है, लोग यहाँ पे शाम में सनसेट पे चिल मारते हैं अच्छे से। तो देखो आप नज़ारे सुंदर सुंदर।
तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना पटाया बीच का सनसेट देखी, उसके बाद में फिर मैं मार्केट की तरफ निकल गई। और तो काफ़ी सारे नज़ारे में देखती हुई जा रही थी, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग था, तो मैं रुक गई देखने के लिए ना। ये काफ़ी जगह पे खैर अब मिलता है, इंडिया में भी मैं देख पाती हूँ कहीं पे, तो मैं भी थोड़ी सी एक्साइटेड थी कि चलो ठीक है इवनिंग में मार्केट और एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ें। तो मैं थोड़ा रेस्ट करके दोबारा निकल गई। फिर मैं जब निकली तो मैंने देखा यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था। वैसे तो जनरली यहाँ पे बहुत लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, बट हो जाता है कभी कभार। तो भूख तो बहुत जोर की लगी थी क्योंकि मैं सुबह ही निकल गई, 3-4 किलोमीटर में चली गई थी। तो ये वही इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैं फर्स्ट डे आते ही गई थी। तो मैंने वहाँ मैं वहीं पहुँच गई और मैंने थाली ऑर्डर कर ली है ना, वहाँ पर था तो ऑप्शन, मैंने थाली ले ली ना उस दिन। तो आराम से आपको 400-500 बाट में ये पड़ जाता है, थोड़ा कॉस्टली है बट ठीक है। फिर वहाँ से मैं मैंने सोचा चलो पेट पूजा हो ही गई तो अब काम दूजा भी कर लेते हैं। मैं पहुँच गई वॉकिंग स्ट्रीट जिसमें मैं फर्स्ट डे गई थी, मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं। तो पैदल चलने की उतनी हिम्मत थी नहीं, तो वहाँ पे ये गाड़ी चलती है ना, जैसे लोकल टैक्सी टाइप में अपने यहाँ पे टेम्पो वगैरह चलते हैं, वहाँ पे ये गाड़ी चलती है। तो आप कहीं पे भी, मतलब पटाया में अगर आप 1-2 किलोमीटर जा रहे हो, आप इसे बुक करो, आराम से हाथ दो, वो रुकेगी। आपको ऐसी गाड़ी हर 2-3 मिनट में मिलने वाली है ना, तो आपको 10 बाट देती, 10 बाट के अप्रोक्स आपको लगेगा ना, तो आप आराम से दो और पहुंच जाओ अपनी लोकेशन पे। तो मैं भी पहुंच गई वॉकिंग स्ट्रीट दोबारा से, कि देखते यार मतलब थाईलैंड गए और शाम का नज़ारा ही नहीं देखा, तो क्या देखा है ना। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, शाम के मज़े लेते हैं वहाँ पे। तो मैं पहुंची, काफ़ी खैर लड़कियों के लिए तो कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, बट मैं ऐसे मज़े ले रही थी कि ठीक है यार देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होता है। क्योंकि मैं देखती थी ना कि जो देखता, मतलब जिसको देखूँ मैं वो बैंकॉक थाईलैंड पहुँच ही जाता था, तो ऐसा क्या था। तो मेरे को तो काफ़ी मतलब क्यूरियसिटी थी कि जाना है भाई एक बार, तो मेरे को भी देख के आना है, वरना अदरवाइज़ मैं मलेशिया ही घूम के जाती पहले। बट फिर थाईलैंड भी वीज़ा फ्री था और मलेशिया भी था, तो मैं पहुँच गई पहले थाईलैंड। तो शाम में आराम से आप आधा एक घंटे में आपका आराम से ये कवर हो जाएगा ना, कुछ 1-1.5 किलोमीटर की वॉकिंग स्ट्रीट है। तो यहाँ पे देखो करने के लिए तो गर्ल्स के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं है ना, अगर आप पार्टीज़ के लवर हैं तो आप कर सकते हैं। तो कुछ इंडियन वाइब्स भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिली, तो आप आराम से पार्टीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए काफ़ी कुछ है, वो आप आराम से देखो समझो, है ना, बताने की ज़रूरत खैर आपको है नहीं, ठीक है। तो आराम से एक्सप्लोर करो, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे रहती है, बिल्कुल न्यू था मेरे लिए भी एक्सपीरियंस। मैं भी देख के काफ़ी शॉक्ड हुई है ना कि किस तरीके से मतलब यहाँ पे चीज़ें होती है, काफ़ी लोग देख भी रहे थे ना। तो मैं भी रुक गई थी कि चलो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जनरली वॉकिंग स्ट्रीट में यही है यार कि जिनको नाइट पार्टीज़ का शौक होता है ना, वो बहुत मज़े ले सकते हैं, बाकी लड़के तो लेते ही है ना। तो मुझे पार्टीज़ का शौक था नहीं, ठीक है। जिनको ड्रिंक का या फिर इनका भी शौक है, उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। मेरे लिए बस ये था भाई यार घूमना है, तो मैं चली गई घूमने के लिए कि घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको सस्ती मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ड्रिंक करोगे तो आपको सस्ती ही मिलने वाली। तो इस तरीके से कुछ अपना टाइम स्पेंड करने के बाद में मैंने सोचा आप थक गए हैं, अब तो जाना बनता ही है। तो बता रही थी मैं आपको कि यहाँ पे आपको दारू थोड़ी सस्ती मिलेगी, तो जो लोग जाते हैं वो थोड़ा देख लेना, ठीक है। कंपैरिजन अदर कंट्रीज़ में भी मेरे को ऐसा लगा है ना यहाँ पे, जैसा मैंने देखा सोशल मीडिया पे। तो आप आराम से इंजॉय करिए, बहुत ही मज़ेदार जगह है, मतलब जब आप वहाँ से आओगे ना मन तो नहीं लगने वाला है आपका। तो फिर मैं वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के बाद में पहुँच गई बीच पे, जो कि मेरा मतलब मेरी फेवरेट ही जगह है ना, मतलब बीच पे बैठना मुझे बहुत ही पीसफुल लगता है। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मैं भी आकर बैठ गई, मस्त अपना बिछाने के लिए लाई थी, बैठ गई, उसके बाद में एक्सप्लोर कर रही थी। देख पा रही थी यहाँ पे कि साइड में भी यहाँ पे एक मार्केट सा लगता है ऐसा ना, तो मैं एक्सप्लोर करी कि क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा बैठने के बाद में फिर बीच मैंने एक्सप्लोर किया। और वहाँ पे कुछ ऐसा रहता है कि बीच पे काफ़ी आतिशबाजी टाइप की भी रहती है ना, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मज़ा आया मतलब ऑलमोस्ट ओवरऑल। तो आई होप आपको पटाया भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी तो यार स्टार्टिंग ही है, थोड़ा सा प्यार बरसा दो ताकि मैं
थोड़ा सा टाइम देकर वीडियोस अपलोड करूँ जल्दी जल्दी, और आप भी पूरा मेरा ब्लॉग देख पाए। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप इस पर थोड़ा सा प्यार बरसा दो।